बॉलीवुड में तो आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ मिस किया होगा। तो एक बार नजर डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियों पर। अक्षय कुमार के साथ एक बार फिर नजर आएंगे करीना कपूर। जी हाँ, खबर है कि करीना कपूर की अगली फिल्म में करण जौहर के साथ काम करेंगी और इस फिल्म में करीना कपूर के साथ अक्षय कुमार भी जुड़ गए हैं। फिल्म में वो करीना कपूर के पति का रोल निभाएंगे। बताते हैं कि अक्षय को फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है और जल्द ही वो इस फिल्म को लॉक करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर को एक बार फिर लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वीरे दी वेडिंग के एक सीन की वजह से लोग उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल फिल्म में स्वरा भास्कर को एक बोल्ड सीन करते दिखाया गया है। इस सीन को लेकर ट्विटर पर लोगों ने आपत्ति जताई और स्वरा को आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। आजकल रणबीर कपूर चर्चा में छाए हुए हैं। इसका बड़ा कारण है रणबीर की आने वाली फिल्म संजू और दूसरी वजह है आलिया भट्ट। काफी दिनों से ये गॉसिप चल रही है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर छुपके एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन खबरों ने बॉलीवुड के बाजार में काफी गर्मी पैदा कर दी है। इन नजदीकियों को लेकर रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि आलिया उनका क्रश है। श्रीदेवी और फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर जल्द ही धड़क फिल्म से अपना बॉलीवुड सफर शुरू कर रही हैं। इस फिल्म में उनके हीरो हैं ईशान खट्टर और फिल्म की शूटिंग के अलावा जाह्नवी और ईशान एक दूसरे के साथ कई बार स्पॉट किए जाते हैं। पाकिस्तान में सलमान खान के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पाकिस्तान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें बाहरी फिल्मों पर लगा जो बैन 2 हफ्ते के लिए था उसे घटाकर 1 हफ्ता कर दिया है। यानी सलमान खान की रेस 3 अब पाकिस्तान में 22 जून को रिलीज होगी और ये सलमान खान के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत की पहली फिल्म काला विवादों के बाद आज रिलीज हो गई। इस फिल्म का पहला शो आम फिल्मों की तरह सुबह 9 बजे नहीं बल्कि सुबह के 4 बजे शुरू हुआ। बॉलीवुड की पूरी डिटेल तो मिल गई आपको। अगले हफ्ते इसी समय एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रभासाक्षी.com से। और सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो ना? अगर नहीं कर रहे हो तो अभी के अभी जाकर फॉलो करो और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करो क्योंकि सारी अपडेट्स वहीं से मिलने वाली हैं। और सब्सक्राइब के साथ साथ एक बेल आइकन होगा उसे क्लिक करना ना भूलें क्योंकि रेगुलर अपडेट्स और वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे। धन्यवाद।